हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी लेकर के आ गए हैं बहुत अच्छी अच्छी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स हमारी इस प्रकार से चावल को लेकर। हमने यहाँ पर एक कटोरी जितना चावल लिया और इसको तवे पर डाल के 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसका एक यूज़ किस तरीके से करना है फ्रेंड्स वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे चावल को बस अच्छे से गर्म कर लेना है। ये जो चावल का दाना है काला नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना करना है कि सारे चावल अच्छे से गर्म हो जाएं। और उसके बाद से हम यहाँ पे लेंगे कटोरी और कटोरी में इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका हमें यूज़ करना है, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे टाइम में बहुत बार ऐसे होता है कि घुटने में काफ़ी दिक्कत होती है, यानी कि घुटने में कभी कभी दर्द होने लगता है, कमर दर्द करता है या फिर कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन वगैरह ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को भी पेन होता है और आज के टाइम में तो जो यंग लोग हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है पेन की। तो जॉइंट पेन है फ्रेंड्स या फिर कहीं पे भी दिक्कत है, दर्द है, तो आप इस तरीके से चावल का यूज़ कर सकते हैं उसकी सिकाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने चावल को एक कटोरी में भर लिया है और उसके बाद से कोई भी एक रुमाल ले लेंगे और इस तरीके से अच्छे से इसको ऊपर से पकड़ के फिर इस तरह से सिकाई कर लेंगे। जहाँ पर भी पेन हो, जहाँ भी दिक्कत हो, वहाँ पर इस टिप का ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी टिप्स है। और आप सोचेंगे हमने यहाँ पे चावल का ही यूज़ क्यों किया है। चावल का यूज़ इसलिए किया है फ्रेंड्स क्योंकि चावल जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से आप आराम से इसे सिकाई कर सकते हैं काफ़ी देर तक। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आजमा करके देखिएगा और देखिए इस तरीके से अच्छे से आपको सिकाई कर लेनी है। तो आई होप ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बिना देरी के दूसरी टिप्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी दूसरी टिप्स है गुड़ को लेकर के। देखिए जब भी हम मार्केट से गुड़ लेकर के आते हैं, अगर इसको हम ऐसे ही पन्नी में या किसी भी डिब्बे में रख देंगे तो गुड़ जो है आपने कुछ टाइम बाद देखा होगा कि पसीज जाता है, यानी कि सील जाता है और जो कि हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, कई बार तो ये लिक्विड जैसा भी बन जाता है रखे रखे। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा तरीका है फ्रेंड्स। कभी भी आप जितना मर्जी गुड़ लेकर के आएँ मार्केट से और इस तरीके से इसको सिल्वर फॉइल में लपेट करके रखें, इसके वजह से क्या होगा गुड़ जो है सीलेगा नहीं और बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी तीसरी और बहुत ही यूजफुल टिप्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी थर्ड जो टिप है वो है दलिया को लेकर के। देखिए सभी के घरों में ऐसा होता है कि कभी बच्चों को या बड़ों को दलिया खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन दलिया जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको बच्चों को भी खाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में दलिया को नहीं पसंद किया जाता है, बच्चे या बड़े लोग नहीं खाते हैं इसको, तो अगर आप इस तरीके से दलिया को बनाएंगे तो दलिया सभी को बहुत पसंद आएगा। देखिए सबसे पहले तो दलिया की जो कंसिस्टेंसी है उसको आप इस प्रकार से रखिएगा, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का आप रखिएगा। और दूसरी चीज़, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप इसमें मैगी मसाला डाल दें। मैगी मसाले की वजह से फ्रेंड्स दलिया का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है और बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी टिप्स है। चलिए फ्रेंड्स अब अगली टिप्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी अगली टिप्स है फॉइल पेपर को लेके। फॉइल पेपर का यूज़ तो हम बस लंच के लिए, यानी कि रोटी वगैरह पैक करने के लिए ही इसको यूज़ करते हैं फॉइल पेपर का, लेकिन आज एक बहुत अच्छा सा यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स फॉइल पेपर का, जो कि आपको सच में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक यूज फॉइल पेपर ले लिया है और इसको जो साइड वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे, यानी कि ये जो फॉइल पेपर है इसको कट करके हमें गोल सा बनाना है। कोई साइज का मेजरमेंट वगैरह नहीं है, बस नॉर्मल इस तरीके से गोल सा कट करना है। बस इसको फोल्ड करेंगे और करने के बाद से थोड़ा कैंची की हेल्प से अच्छे से इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स। आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं सिंक में। सिंक में इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे वही मैं आज आपको दिखाऊंगी, और सच मानिए बहुत यूजफुल टिप्स है, ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फॉइल पेपर, यानी कि दो इस तरीके से गोल गोल सा कट करके हमने रख लिया है। तो हमें एक ही की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत नहीं है। तो एक हम साइड रख देंगे और दूसरे का इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इसको, और एक कैंची की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से छेद कर लेंगे। तो आप कैंची की हेल्प से कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको समझ में आए, बस छोटे छोटे से होल्स इसमें कर लेने हैं। और करने के बाद से अब चलते हैं सिंक की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने
सिंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक पे जो ऊपर वाली जाली होती है वो जाली नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर से बहुत बार कीड़े मकोड़े यानी कि कॉकरोच वगैरह जो है बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है कई बार। तो अगर आपके सिंक में भी ये प्रॉब्लम है, नीचे जाली नहीं है, तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फॉइल पेपर को इस तरीके से रख दीजिएगा छेद करके, और फिर ऊपर से अगर आपके पास जाली है सिंक वाली जो लगती है इसमें, अगर वो ढक्कन है तो ऊपर से रख दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं पानी आपका सारा नीचे चला जाएगा और कचड़ा जो है ऊपर रह जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिंक भी कभी जाम नहीं होगा, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं इसकी हेल्प से वो बाहर भी नहीं आएंगे। तो आई होप ये टिप्स भी आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अगली टिप्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली टिप्स है हमारी यहाँ पे चाबियों को लेकर के। तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास छोटी बड़ी बहुत प्रकार की चाबियाँ होती हैं, लेकिन इसमें जो की रिंग होती है वो हमारे पास नहीं होती है, तो हम इसमें धागा वगैरह डाल करके रख देते हैं। लेकिन आगे से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और वैसे खोने का भी डर रहता है। तो एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि उस तरीके से आप चाबियों को बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, और सच मानिए वो देखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन ली है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लीजिएगा, और उसके पास से छोटी बड़ी जितने भी आपके पास चाबियाँ हैं सबको इसमें अरेंज करके रख लीजिएगा। इस एक पिन में बहुत सारी चाबी आप अरेंज करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये बिल्कुल भी खोएगा नहीं, आप जहाँ रखेंगे संभाल के ये आपको सारी चाबियाँ आराम से मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड्स, आई होप ये अच्छी लगी होगी आप लोगों को, प्लीज़ इसको ज़रूर आजमाएं। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स भी। तो फ्रेंड्स हमारी जो लास्ट टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है, वो है मटर को लेकर के। देखिए सर्दियों का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे मटर मार्केट में बहुत आ रही है, और मटर खाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समस्या बस एक ही चीज़ की आती है कि जब इसको छीलने बैठते हैं तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आज एक बहुत अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आप मटर फटाफट से बहुत सारी मटर छील करके तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ मटर ली है और ये देख सकते हैं इसको अगर हम नॉर्मल जैसे छीलते हैं वैसे छीलेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप ट्राई भी करके देख सकते हैं, इसको नॉर्मली जब आप इसको छीलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे यानी कि गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बस इसको अच्छे से उबाल लेंगे, तो जो मटर के जो छिलके हैं वो नरम पड़ जाते हैं, और नरम होने की वजह से आप बहुत अच्छे से बहुत सारी मटर कुछ ही टाइम में छील करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मटर को बॉईल कर लिया है और इसका जो छिलका है वो ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। 5 मिनट के लिए ही स्टीम करना है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, और उसके बाद से इसको निकाल लेंगे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा यानी कि नॉर्मल बस इतना रहे कि आप इसको अच्छे से छू पाएँ, तो बस उतना कर लेंगे। करने के बाद से फिर हम यहाँ पर मटर को छील लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका जो छिलका है सॉफ्ट हो जाता है उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मटर जो है छिल जाएगी, क्योंकि इसका जो छिलका फटाक से अलग हो जाएगा और इससे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ईजी है इसको छीलना, और कच्ची जो मटर होती है उसको आप नॉर्मल इस तरीके से छील के देखिएगा, उसका छिलका हटाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मटर छीलने में काफ़ी ज़्यादा झंझट लगती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बॉईल करके मटर को छीलेंगे तो फटाफट आप मटर छील करके तैयार कर लेंगे, और साथ में आपकी जो मटर है वो भी थोड़ी बॉइल हो जाती है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम तक मटर को स्टोर करके रखेंगे तो मटर जो है आपकी ख़राब नहीं होगी। तो दोनों फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, और ट्राई करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे कैसी लगी आपको ये टिप्स। तो आई होप फ्रेंड्स आज के टिप्स आप लोग को पसंद आई होंगी, पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहले से भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें।